KTM Duke 250 वर्सेस बजाज डोमिनार 400। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन को लेके। सो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं शुरू में ही ये बताना चाहूँगा कि जो कंपैरिजन है, ये दो बाइक टोटली डिफरेंट सेगमेंट से आती है। एक आती है 250 सेगमेंट से और एक 400 सीसी के सेगमेंट से। लेकिन मैंने जो कंपैरिजन किया है इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों बाइक्स का जो प्राइस है वो सेम है। कभी कभी होता है कि आप सीसी के अकॉर्डिंग बाइक देखते हैं, तो यही वजह है कि इस बजट में दोनों बाइक्स आ रही हैं, लेकिन ये बाइक डिफरेंट सेगमेंट की बाइक है। सो गाइज, अगर आपको इन दोनों बाइक्स के बारे में सब कुछ जानना है और वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि आपके लिए कौन सी बाइक बेटर है, राइट। सो अगर आपको इस वीडियो बाइक के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो गाइज, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये दोनों जो बाइक है ये टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है, और ये दोनों बाइक डिफरेंट सेगमेंट से आती है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के प्राइस को। सो जो बजाज डोमिनार है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,94,000 रुपीज़ है, और ये ऑन रोड आते थे 2,33,000 रुपीज़ की हो जाती है। अब बात करते हैं KTM Duke 250 के प्राइस के बारे में। सो KTM Duke 250 में रिसेंटली एक वेरिएंट लॉन्च हुआ है जिसमें आपको LED हेडलाइट मिलता है। सो दोनों वेरिएंट के प्राइस को मैं आपको बताता हूँ। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसका प्राइस है 2,05,000 रुपीज़, और ये ऑन रोड आते थे 2,35,000 रुपीज़ की हो जाती है। और जो LED हेडलाइट है जिसमें आपको 390 वाला सेम आपको हेडलाइट मिलता है KTM Duke 250 में, उसका जो प्राइस है वो है 2,09,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, और ये ऑन रोड आते थे 2,39,000 रुपीज़ की हो जाती है। सो जो आप प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं बजाज डोमिनार 400 और KTM के प्राइस में, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है 2,000 का फ़र्क आ रहा है, और जो LED वाला जो वेरिएंट है KTM उसमें आपको 6,000 का फ़र्क नज़र आ रहा है। डोमिनार के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइस को, तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत नॉमिनल डिफरेंस है। आप अगर आपको बाइक अच्छी लगती है तो आप 2,000 रुपये ऐड भी कर सकते हो या 6,000 रुपये ऐड भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। सो जो बजाज डोमिनार 400 है उसका जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है वो है 373 सीसी का। इसमें आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन मिलता है। साथ में अगर आप बात करें KTM Duke 250 के बारे में, तो आपको 248.8 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन मिलेगा। सो अगर आप इंजन डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बारे में बात करें, तो बजाज डोमिनार जो 400 है उसका जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है 124 सीसी ज़्यादा है। सो गाइज, 124 सीसी बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है किसी भी बाइक के इंजन डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे आप तो। सो ह्यूज डिफरेंस है इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट में। अब बात कर लेते हैं पावर फिगर के बारे में। सो गाइज, जो बजाज का पावर फिगर है वो कहीं ज़्यादा है KTM से। आप देख रहे हैं इंजन डिस्प्लेसमेंट का भी फ़र्क है, पावर का भी फ़र्क है। सो पावर आउटपुट जो है मैक्सिमम जो बजाज डोमिनार 400 का है वो है 40 PS का, और मैक्सिमम टॉर्क है 35 Nm का। वहीं पे अगर आप KTM Duke 250 का मैक्सिमम पावर आउटपुट देखें, तो आपको 30 PS का मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है, और जो मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट मिलता है वो है 24 Nm का। सो आपको पावर में 10 PS का फ़र्क है, और 11 न्यूटन मीटर का आपको फ़र्क है टॉर्क में। साथ में इन दोनों बाइक्स में आपको 6 गियर स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, स्लिपर क्लच मिलता है, जिससे दोनों बाइक प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बजाज डोमिनार 400 है वो मोर पावरफुल है अपने लो एंड परफॉर्मेंस पे, अपने टॉप एंड परफॉर्मेंस पे, अपने मिड एंड परफॉर्मेंस पे। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन टाइप के बारे में और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, साथ में हम टायर डायमेंशन भी डिस्कस कर ही लेते हैं। सो गाइज, इन दोनों बाइक्स में आपको 43 mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में, एंड रेयर में आपको मोनो शॉक सस्पेंशन मिलेगा। अगर बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो आपको फ्रंट में इन दोनों बाइक्स में आपको 320 mm का आपको डिस्क मिलता है, एंड रेयर में आपको 230 mm का डिस्क मिलेगा। अगर बात करें इसके टायर डायमेंशन के बारे में, तो दोनों बाइक्स में ही आपको सेम टायर मिलता है, जैसे आपको फ्रंट में मिलता है 110/70 सेक्शन का टायर, एंड रेयर में आपको 150/60 सेक्शन का टायर मिलता है। गाइज, जो बेस्ट पार्ट है आपको बजाज डोमिनार 400 में, आपको LED हेडलाइट, LED टेल लाइट और LED इंडिकेटर्स मिलता है। साथ में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है KTM Duke 250 का, उसमें आपको हेलोजन लाइट, हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स और LED
टेल लाइट्स मिलता है, साथ में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। सो आपका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वहाँ पर वो मिस कर जा रहा है, वहाँ पर आपको एलईडी हेडलाइट नहीं मिल रहा, राइट। लेकिन यही चीज़ अगर आप 6000 ऐड कर दें अपने प्राइस में डोमिनोर के कंपैरिजन में, तो आपको एलईडी हेडलाइट वाली बाइक मिल जाएगी, केटीएम 250, जिसमें आपको 390 वाला सेम हेडलाइट मिलता है। उसमें आपको एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी इंडिकेटर्स। तो जो मेरा पर्सनली मैं बोलूँगा कि अगर आपको बाइक लेनी है केटीएम 250, तो आप एलईडी हेडलाइट वाला ही वेरियंट लेना। 5-6 हज़ार रुपये लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो आप अगर इतना जा रहे हैं तो 5-6 हज़ार रुपये और, क्योंकि उससे बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको लेटर ऑन ये नहीं लगे कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने वो बाइक ले ली जो थोड़ी सी आउटडेटेड है। सो गाइस, हमेशा अपडेटेड चीज़ें लें अगर आप पैसे डाल रहे हैं, तो थोड़े से पैसे और डाल के आपको बेहतर चीज़ मिल जाती है। अब बात करते हैं कि राइडिंग क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है। सो सबसे बड़ी जो बात है, अगर आपको टूर पसंद है, आप टूरिंग बाइक देख रहे हैं, तो आप KTM नहीं लो, आपको लेना चाहिए बजाज डोमिनोर 400, क्योंकि टूरिंग पर्पज़ की बाइक है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन टू KTM ड्यूक 250। आप इसकी सीट कुशनिंग देख लें, पिलियन राइडर की सिटिंग पोजीशन, राइडिंग सिटिंग पोजीशन, हैंडल बार का जो सेटअप है, वो सब कुछ टूरिंग पर्पज़ से बनाया गया है। तो अगर आपको राइडिंग करना है, टूरिंग करना है, तो आप लेंगे बजाज डोमिनोर 400। एल्स अगर आपको टशन चाहिए, थोड़ा डिज़ाइन लाइन आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए, आपको जो बॉडी ग्राफिक हो ज़्यादा बढ़िया चाहिए, आपको सिटी राइडिंग करनी है थोड़ा बहुत यू नो, तो आपके लिए फिर बेटर है KTM ड्यूक 250। लेकिन LED वेरिएंट वाला, जिसमें आपको LED मिलता है हेडलाइट। सो गाइस, ये थी वीडियो KTM वर्सेस बजाज को लेके। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और चलो दे ही देता हूँ। इसमें अगर आप बात करें इसके कर्व वेट के बारे में, तो जो बजाज जो 400 डोमिनोर 400 है, उसका जो कर्व वेट है वो 186 किलोग्राम है। तो ये थोड़ी हैवी बाइक हो जाती है। अगर आपको लाइटर मशीन चाहिए तो आपको फिर 250 लेना चाहिए। अगर आपको सिटी राइडिंग करनी है, इसका कर्व वेट है 161 किलोग्राम। और जो बेस्ट चीज़ है आपको बजाज डोमिनोर 400 में, वो ये है कि ये लॉन्ग राइडर्स के लिए तो अच्छी है ही, साथ में अगर शॉर्ट राइडर भी हैं तो इसको इजीली राइड कर लेंगे। ये चीज़ आपको KTM ड्यूक 250 में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है वो 830 mm है, मतलब 30 mm ज़्यादा है बजाज डोमिनोर 400 से। सो सबसे बड़ी चीज़ होती है हाइट के अकॉर्डिंग। अगर आप बाइक नहीं लेंगे, आप कितनी भी अच्छी मशीन ले लो, वो ना राइडिंग कंफर्ट नहीं मिलेगा, आपको राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आपकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस वो कहीं ना कहीं हिंडर होती है अगर आपकी जो सीट हाइट है आपकी हाइट को मैच नहीं करती, राइट। तो बाइक लेते हुए ज़रूर देखें, आप सिर्फ डिज़ाइन इंजन नहीं देखें, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे उस बाइक के राइड को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि रिसेंटली मैंने जो 390 लिया, उसमें आपको जो सीट हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेरी हाइट है 5'8", स्टिल मेरे को ना वो कंफर्ट नहीं आता। सो आप जब भी बाइक लें, ध्यान से लें, सीट हाइट को कंसीडर ज़रूर करें और सबसे पहले करें। सो गाइस, ये थी वीडियो KTM ड्यूक 250 वर्सेज बजाज डोमिनोर 400 को लेके। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।